इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम पे जाइए, क्या लगता है आपको ड्रेनेज सिस्टम से? जनरली लोगों को क्या नज़र आता है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है ना, कि गटर्स बने हुए हैं, ये लोग उस पर चले जाते हैं। बट यहाँ पे हम उससे साथ भी रिलेट करके सोचेंगे। एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं, हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और जब इंडिया की बात करेंगे, अब जो ड्रेनेज सिस्टम है जो हम रिलेट करते हैं, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर देते हैं कि वो छोटे गटर्स बने होते हैं, वहाँ से नालियाँ आती हैं, वो गटर्स में गिर जाती हैं, बड़े गटर्स होते हैं, मेन होल होते हैं, फिर वहाँ से जाके वो नदी में गिर जाते हैं, वो सारा सिस्टम है। बट अब उसको बड़े लेवल पे सोचिए, क्योंकि वो आप जो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो वो एक छोटे से शहर का होता है, एक मोहल्ले का हो सकता है। यहाँ पे जब इंडिया की बात करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो ड्रेन उसका निकास कर रहा है। और इंडिया का निकास कौन करता है? इंडिया का निकास यहाँ की नदियाँ करती हैं, जो इंडिया की हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की है चाहे साउथ इंडिया की, नदियाँ सारी हिंदुस्तान की ही हैं। अब इस चैप्टर में हम उसी सिस्टम की बात करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है। ये आप मैप देखिए, यहाँ पे आपको कितनी सारी रिवर्स नज़र आ रही हैं। और मैं आपको इसे बार बार कह रहा हूँ कि हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न डिस्कस की, उसमें भी मैंने आपसे कहा कि मैप उठाइए और उसमें सारी डिवीजन्स मार्क कीजिए। कोशिश कीजिए जितने आप माउंटेन्स उस पर देख के मार्क कर सकते हैं कीजिए, जितनी पीक्स, जितनी रेंजेस, जितने भी आपको वहाँ पे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, कोशिश कीजिए उनको मार्क करने की। सिमिलरली इसी तरह मैप उठाइए और उस पर रिवर्स मार्क कीजिए, जितनी रिवर्स आप देख सकते हैं उतनी मैक्सिमम देखिए, क्योंकि यूपीएससी का लेवल हमेशा बढ़ता जाएगा, कंपटीशन क्योंकि बढ़ता जाएगा, इसलिए बेहतर है आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार करके रखें। तो आइए इस मैप में देखते हैं कितनी सारी नदियां हम देख पाते हैं, और मेजर यही रिवर्स हैं, आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। बाकी छोटी मोटी रिवर्स जो न्यूज़ में रहती हैं वो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपका ये आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए जो इंडिया में रिवर्स हैं, दो पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे मैं कुछ आपको रिवर्स के नाम गिना दूँ। जैसे जो मेजर रिवर्स आपको नज़र आ रही हैं उसमें यहाँ पे नज़र आएगी आपको गंगा, नज़र आएगी आपको जो बड़ी नदी है इंडस है, और ब्रह्मपुत्र। तीन सिस्टम इंडिया में चलते हैं नदियों के। यहाँ पे देखिए इंडस नदी है जो यहाँ से निकली हुई है और ये इंडस जा रही है और जाके ये अरेबियन सी की तरफ गिर जाती है। उसी तरह गंगा, यहाँ आप देख सकते हैं गंगा दो नदियों से मिलकर गंगा बनी है, और ये गंगा इधर से निकल के जाते हुए फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तीसरी जो नदी है वो यहाँ ब्रह्मपुत्र देख सकते हैं, ये भी उसी एरिया से निकली हुई है, यहाँ ब्रह्मपुत्र जिसको सांको कहा जा रहा है यहाँ पे, और ये आके गंगा में मिलके और फिर ये इधर आके गिर जाती हैं सारी, और यहाँ बड़ा सा डेल्टा बनाती हैं। उसके अलावा वो देखिए यहाँ पे कितने नज़र आ रही हैं, यहाँ पे गोमती आपको नज़र आ रही है, घाघरा नज़र आ रही है, गंदक नज़र आ रही है, कोसी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको सोन नज़र आ रही है, केन नज़र आ रही है, बेतवा नज़र आ रही है, सिंध नज़र आ रही है, चंबल नज़र आ रही है, लूणी नज़र आ रही है, साबरमती, माही, फिर नर्मदा है, तपी है, पेन गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, महानदी है। इतनी नदियाँ मैंने आपको एक मैप पे यहीं पे गिना दी, छोटे से मैप पे। अब आपको देखना है कि और किस लेवल तक जाके आपको स्टडी करनी है, क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बीच में ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, बस ज़्यादा नहीं सोचना, और फिर सोच के अपने आप से पूछिए क्या चीज़ है। इसको हम कहते हैं इंडिया का वाटर डिवाइड है, ये वाटर डिवाइड है, ये इंडिया का डिवाइड आपको पता है, जो पानी को विभाजन करना है, पानी को विभाजन करने वाला, ये उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। विभाजन कैसे करते हैं? माउंटेन रेंजेस हैं बेसिकली ये, क्योंकि फिजियोग्राफी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इधर जो दिल्ली के एरियाज़ हैं, यहाँ तो माउंटेन है, हमारे नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स हैं। यहाँ दिल्ली से आप शुरू हो जाइए, इधर दिल्ली से लेके साबरमती तक आइए, यहाँ थी आपकी अरावली, अरावली है इस एरिया में, कि फिर क्या इस एरिया में थे विंध्या और सतपुड़ा, कि इधर विंध्या हो जाएगा और इधर है सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन है। और ये जो एरिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वेस्टर्न घाट्स थे हमारे, सह्याद्री जिसको हमने नाम दिया था वेस्टर्न घाट्स। ये एक्चुअली वो माउंटेन है कि जहाँ पे जब पानी गिरता है, कि अगर मैं कहूँ ये एक पानी गिरता है
तो जो इधर पानी गिरा वो इधर चला जाएगा, जो वेस्ट की तरफ गिरा वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये इंडिया के पानी को डिवाइड करते थे दो पार्ट में, एक वो जो ईस्ट की तरफ चला जाता है और दूसरा वो वेस्ट की तरफ चला जाता है। और इंडिया का जो मेजर चंक है पानी का, जो मेजर पोर्शन है, वो सारा ईस्ट की तरफ जाता है। वो आप देख लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में इसने कितना, इतना पार्ट इसने इंडिया का ऑलमोस्ट 80%, अब लगा लीजिए 85% जो है ईस्ट की तरफ है, और वो सारा कहाँ जा रहा है, ईस्ट में पानी, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है पानी। और जो बाकी बचा 15%, जो ये इतना सा एरिया बचा है ये सारा, और ये कोस्ट का, ये सारा कहाँ पे जाता है इसका पानी, वेस्ट में, यानी कि अरेबियन सी में जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वाटर डिवाइड क्या चीज़ होती है, और जो मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारा वाटर डिवाइड है, यहाँ लीजेंड में आप देख सकते हैं कि ये वाटर डिवाइड को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब जब नदी की बात करते हैं, अब यहाँ पे पानी डिवाइड हुआ, उसके अलावा फिजियोग्राफी में एक चीज़ बात की थी कि हमने प्लेन्स की अलग बात की थी और प्लेटू की अलग बात की थी, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि जो साउथ इंडिया है ये नीचे वाला एरिया, और एक ये नॉर्थ है ये साउथ है। इसी तरह ड्रेनेज सिस्टम में भी ये फ़र्क है कि जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं और साउथ इंडियन रिवर्स हैं उनमें काफ़ी कुछ डिफरेंट है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स और साउथ इंडियन रिवर्स अगर देखा जाए, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो पूरे साल बहती रहती हैं, जबकि साउथ इंडियन की रिवर्स पूरे साल उनमें उतना पानी नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया का सिस्टम है वो नॉर्थ और साउथ इंडियन रिवर का सिस्टम है वो कैसा है। जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं उनको हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं उनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, मैंने आपको बताया हिमालयन रिवर। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो सारी, ऑलमोस्ट सारी 95% के करीब नॉर्थ, कहाँ से, हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हिमालयन रिवर्स। और जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं प्लेटू में से ओरिजिनेट होती हैं वो। दूसरा, उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैटर्न है इसका। जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो हैं पेरिनियल, पेरिनियल यानी कि जो पूरे साल बहती हैं, सूखी नहीं रहती हैं। क्यों, क्योंकि वो स्नो फेड हैं, ग्लेशियर्स हैं हिमालय में, और ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके नदी में जाता रहता है और उनको पूरे साल पानी की सप्लाई मिलती रहती है। इसके विरुद्ध जो पेनिनसुला की रिवर्स हैं, जो साउथ इंडिया के रिवर्स हैं वो हैं रेन फेड। इसका मतलब क्या हुआ, वो सीजनल हुई, उस वजह से वो जब बरसात का मौसम आता है तब वो उनमें पानी भरा होता है, वो फ्लो में चलती हैं, और जब बरसात का मौसम चला जाता है, मानसून चला जाता है, तो वो सूख भी जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उनमें पानी बहुत थोड़ा रह जाता है। उसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि जो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स है वो है एंटीसीडेंट्स और कंसीक्वेंट, यानी कि एंटीसीडेंट जो हिमालय है कुछ हिमालय के क्रॉस करके आ रही, यानी कि वो हिमालय के वजूद से भी पहले बहती थी वहाँ पे। कंसीक्वेंट जो स्लोप की वजह से, उस वजह से फ्लो कर रही हैं, तो उससे जो पैटर्न बनता है वो बनता है यहाँ पे डेंड्राइटिक पैटर्न। इसके विरुद्ध जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं वो है रिजुविनेटेड हैं, सुपर इम्पोज हैं, कि वो कभी बहुत पुरानी रिवर्स है, सबसे बड़ी बात है वो बहा करती थी, वहाँ पे बहती होती थी, और उसमें जो शुरू में चेंजेस आई उस वजह से देख के पता लगता है कि वो जो एरियाज है, स्ट्रक्चर चेंजेस आई, प्लेट्स ऊपर नीचे हुई थी जिससे रिजुविनेशन हुई। और रिजुविनेशन क्या है ये हमने डिस्कस किया था जब हमने बात की थी रिवर्स की, कि रिवर्स जब फ्लो करती हैं कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, कि जब रिवर्स फ्लो करेंगे वो इरोड करते हुए जाएगी, वर्टिकल इरोजन और लिटरल इरोजन, और बाद में वो एरिया प्लेन हो जाएगा। बट जब वो एरिया प्लेन हो जाएगा, स्लोप ख़त्म हो जाएगी, तो रिवर फ्लो नहीं कर पाएगी, तो रिवर को रिजुविनेट होना पड़ेगा, रिफ्रेश होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, या तो ज़मीन ऊपर उठ जाए या जो पानी है समंदर का लेवल है वो नीचे चला जाए। ये दो कंडीशन हमने देखी थी। उसके बाद आगे देखें, अगर नेक्स्ट उस पर जाएँ कि जो इनका पैटर्न है वो है ट्रेलाइज्ड है, रेडियल है, या रेक्टेंगुलर पैटर्न है, क्योंकि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक्स हैं, और जो नॉर्थ इंडिया उनका डेंड्राइटिक पेड़ की तरह ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक पैटर्न है उनका। फिर जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, तीसरा पॉइंट है, वो लॉन्ग कोर्स है, बहुत लंबे एरिया को क्रॉस करके बहती। गंगा देख लीजिए 2,500 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है, और माउंटेन से बहती हैं, इरोजन करती हैं, हेडवर्ड इरोजन दूसरी रिवर्स को कैप्चर करती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है वो अपना मेंडरिंग करती हैं और अपना जो कोर्स है वो शिफ्ट करती रहती हैं।
मीएंड्रिंग होती है उनकी, और जो बेड है वो कोर्स उनका वो चेंज होता रहता है कि मीएंड्रिंग इस तरह वेवी फ्लो को हम कहते हैं मीएंड्रिंग, और कोर्स का शिफ्ट हो जाना कि एक बार यहाँ फ्लो करी फिर वो यहाँ फ्लो करके ऐसे बहने लग गई, ये हो गया कोर्स का शिफ्ट हो जाना। जबकि साउथ इंडियन रिवर्स उनमें पानी थोड़ा है तो उनकी इरोजन भी कम होगा और वो हार्ड रॉक होने की वजह से वो मीएंड्रिंग नहीं कर पाती, वो सीधी ऐसी मूव करती हैं। उसके अलावा जो बेसिन्स हैं नॉर्थ इंडियन रिवर्स के वो बहुत बड़े बेसिन्स हैं। बेसिन्स का मतलब क्या होता है कि एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितना एरिया ड्रेन करेंगे उसका बेसिन होगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक नदी है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें पानी ला रही हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये जो नदी है क्यों फ्लो करती है, क्योंकि स्लोप है, इसका मतलब जो वहां का पानी होगा उस नदी में आएगा। इस एरिया का पानी इस नदी में है और इस एरिया का पानी इस नदी में है, जो ये नदी है ये अपने एरिया का पानी लाएगी, तो सारी मिलाकर ये नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारा पानी किस में डाल रही है, यानी कि जो ये इन नदियों के एरियाज थे वो भी इसी नदी को अपना पानी दे रहे हैं। अब जो मेजर नदी है सबसे बड़ी वाली, ये जो फर्स्ट ऑर्डर की नदी है, ये जितने एरिया का पानी ला रही वो इसका हो गया बेसिन। तो जितना एरिया मैंने राउंड लगाया ये सारा, ये जो सारा एरिया है ये इस नदी का बेसिन हो गया है, यानी कि एक एरिया एन एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। चलिए वापस अपने उस पर चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, अपना डिफरेंस जो हमारा उसका है नॉर्थ और साउथ के इंडियन रिवर्स का, जो लार्ज बेसिन हैं उसके मुकाबले जो हमारी साउथ इंडियन की रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका जो कैचमेंट एरिया है वो रिलेटिवली छोटा है, तो उनका बेसिन भी छोटा है क्योंकि उनके ट्रिब्यूटरीज कम है, क्योंकि उनके पानी भी तो कम है, पानी कम है, नदी कम होगी, इरोजन पावर कम होगी, सब कुछ कम ही कम होगा। लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं ये यंग हैं, अभी भी फ्लो कर रही हैं, और क्योंकि पानी इसमें इतना ज़्यादा है अभी भी अपना कोर्स शिफ्ट करती है, यूथ स्टेज में हैं वो, क्योंकि ये एक्टिव हैं और अपनी नदियों को जो वैलीज हैं घाटियाँ हैं उनको भी और काट काट कर गहरा कर रही हैं। बट जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, वो उनका जो प्रोफाइल है वो कम घटता जा रहा है और वो अपने बेस लेवल की तरफ वो जा रही हैं, कि उनका जो प्रोफाइल था पहले ऐसा हुआ करता वो कम हो होकर प्लेन होता जा रहा है, यानी कि जो मैंने आपको बताया इरोजन हो के पेनी प्लेन्स बन रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फिर नॉर्थ इंडियन रिवर्स की, जिनको हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेजर तीन यहाँ पे रिवर सिस्टम हैं जिसको मिलाकर हम ये नाम लेते हैं। उसमें हम नाम लेंगे इंडस रिवर सिस्टम का, दूसरा नाम लेंगे गंगटिक रिवर सिस्टम का यानी गंगा का, और तीसरा सांगपो या जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीन रिवर सिस्टम की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे इंडस रिवर सिस्टम की। अब आप सोचिए बचपन में आपने क्या पढ़ा था, उस पर जाइए और याद कीजिए, और दूसरा मैप उठाइए। दो चीज़ें आपको हमेशा करनी है कि जो कॉमन सेंस है वो लगानी है, जो हम पढ़ रहे हैं कुछ नया नहीं है, ये नहीं कि मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपने सब जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक या जो आगे पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सभी ने वो स्कूल में पढ़ा होगा, इसीलिए इसका नाम जनरल स्टडीज़ है। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ खास नहीं पढ़ रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं है, हम जनरल बातें पढ़ रहे हैं, और किस लिए, ताकि हमें जो दूसरी जनरल बातें जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं वो हमें समझ आएँ। तो पहला तो आप ये देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको आता है, नहीं आता तो सोचिए कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज है। दूसरा मैप जरूर रखिए क्योंकि वो आपकी हेल्प करने वाला है। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ मैप मैप मैप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मैप, मैप के बिना गुजारा नहीं होगा आपका। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले मैं आप बात करूँगा इंडस की, फिर उसकी बात करूँ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पांच उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंडिया में वो फ्लो करती हैं, सारी होकर गुजरती हैं इंडिया से, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा आपके ऊपर आप कितना कर सकते हैं, मैप उठाइए, छोटे छोटे नदियों को मार कर दिए, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस की लेंथ है, टोटल है 2880 किलोमीटर, बट जो इंडिया से फ्लो करती है वो करीब वो है 1114 किलोमीटर, जो इंडिया से, इंडिया यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से होकर क्रॉस करती है। आपको जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, रिवर्स के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका ओरिजिन पॉइंट,
कि कोई नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपको बाकी कुछ याद होना हो रिवर्स के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए, और ये सभी नदी का देख लीजिए। दूसरा उसकी लेंथ कोशिश कीजिए, जिसकी मिल जाती है ठीक है, अदरवाइज एक बार जरूर ध्यान रखिए कि आप उसकी लेंथ के बारे में बताओ। तो पहला उसका ओरिजिन, दूसरा लेंथ, फिर देखिए उसका कोर्स कहाँ कहाँ से जाके और किस एरिया में वो जाके गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर रही है तो कहाँ पे जाके गिर रही है, उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो जरूर देखिए। तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हुई, फिर ओरिजिन और उसकी दूसरा ट्रिब्यूटरी, फिर उसकी लेंथ और कोर्स, ये चीज़ हुई। चलिए इसकी बात करें हम इंडस की, तो इंडस का जो ओरिजिन है, इंडस अगर मैं बात करूँ, इंडस हुआ, सतलुज हुई और ब्रह्मपुत्र, तीनों का ओरिजिन जो है ऑलमोस्ट एक ही जगह से है। सब जो आपके राकाश राकाश लेक है और कैलाश पर्वत है, वो एरियाज जो है, मानसरोवर लेक है, राकाश लेक है, वो सारे एरियाज एक ही जगह पे, तीनों जगह वहाँ से तीनों नदियाँ ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले हम इंडस की बात कर रहे हैं, 2880 किलोमीटर लंबी है ये, जो कि एक ग्लेशियर है, भोकरचू, जो कैलाश माउंटेन रेंज पे है तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर होते हुए ये इंडिया क्रॉस करके फिर पाकिस्तान, फिर कराची के पास ये अरेबियन सी में गिर जाती है, और इसको सिंगी खाम्बान बोला जाता है तिब्बत में। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम है आपको बताऊँ, जो जम्मू और कश्मीर में से मिलती है, जांस्कर है, द्रास है, गारतांग है, श्योक है, शिगार है, नुब्रा है, गिलगित है, ये कुछ नदियाँ हैं, आप इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस या नॉट द ट्रिब्यूटरीज, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस का जो रिवर सिस्टम मैंने यहाँ शो किया हुआ है, कि ये देखिए इंडस यहाँ से आपको ओरिजिनेट होती नज़र आ रही है, इंडस यहाँ से मूव करते हुए ये इंडस जा रही है, फिर यहाँ श्योक वगैरह ये नदियाँ आप देख सकती हैं, और यहाँ भी ये इंडस है, और फिर ये भी इंडस यहाँ तक आई है, और यहाँ हैदराबाद से यहाँ कराची आके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। और जहाँ तक इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात है, वो आप देख सकते हैं कि श्योक की आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे श्योक है, गिलगित है, और इधर ये एक ये नज़र आ रही है उंजा, नुब्रा, जो ये नदियाँ हैं। उसके बाद जो इसकी पांच मेजर है, कुछ दूसरी भी नदी हम देख सकते हैं बाहर की, यहाँ देख लीजिए स्वात में है, ये काबुल नदी है, काबुल नदी देख लीजिए, ये गोमल है, ये जोब है, उंदार है। तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मैं लिख देता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए। काबुल ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके अलावा गोमल है, ये ट्रिब्यूटरीज है, और जोब फर्दर गोमल की ट्रिब्यूटरी है। अब जो इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरी हमने देखी, यहाँ पे हम श्योक देख पा रहे हैं, हम यहाँ गिलगित देख पा रहे हैं, उसके अलावा जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे झेलम है, चेनाब है, तीसरी रावी है, फिर ब्यास है, और लास्ट में आता है सतलुज। सतलुज ये पांच ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया में हैं। झेलम आप यहाँ देख सकते हैं, श्रीनगर के पास यहाँ निकलती है ये, यहाँ से होते हुए ये झेलम जा रही है। कश्मीर में जो माउंटेन रेंज है पीर पंजाल, वहाँ पे एक जगह वेरी नाग, वहाँ से झेलम ओरिजिनेट होती है, और ये और चेनाब दोनों जाके मिल जाती हैं आगे। चेनाब जो कुल्लू के एरियाज हैं हिमाचल में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर ये झेलम को यहाँ मिल जाती है और ये आगे मूव करती हैं, और ये दोनों फिर इंडस को मिलते हैं। पर दोनों मिलने से पहले इसमें तीन नदियां और गिरती हैं, वो एक है रावी जो कि रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश, ये रावी, और ब्यास वो भी रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होती है, ये ब्यास आप देख सकते हैं। ब्यास जो है वो सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी, और सतलुज जाके मिल जाती है, और जो सतलुज है वो जहाँ से हमारी इंडस ओरिजिनेट हो रही है उसी के पास एक जगह है, वहाँ मानसरोवर लेक का एरिया, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और ये जाके जो चिनाब थी उसमें, यानी कि अब ये बन गई पांच नदियां हैं जिनको पंजनाद का यहाँ पे नाम दिया गया है, पंजनाद, और ये जाके मीथानकोट के पास पाकिस्तान में इंडस नदी में गिर जाती हैं, पांच की पांच नदियां। और ज्यादा क्लियर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा क्लियरिटी से आपको नदियां नजर आ रही होंगी, ये झेलम नजर आ रही है आपको यहाँ पे, ये चिनाब नजर आ रही है, ये रावी नज़र आ रही है यहाँ पे, ये तीनों मिल रही हैं, और यहाँ पे सतलुज,
जो ब्यास है यहाँ नहीं दी गई, वो इसी से मिल जाती है इंडिया में, और आगे ये मूव करती हैं इस तरफ। तो ये पांच नदियाँ हैं इम्पॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी मैं पांचों के बारे में बात करूँ एक बार जरूर, कि पांच नदियाँ उनकी लेंथ देख लीजिए, जो झेलम है 725 किलोमीटर लंबी है, जो चिनाब है वो 1800 किलोमीटर लंबी है, यानी कि सबसे लंबी हुई जो चिनाब है रावी 720 किलोमीटर है, ब्यास 470 है, सतलुज 1050 किलोमीटर है, और ये मिथानकोट के पास पाकिस्तान में इंडस नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। और ये इनके ओरिजिन पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, कि इधर रिवर्स लिखे हो, इधर ओरिजिन पॉइंट लिखे हो और आपको वो मैच करना हो। तो देख लीजिए झेलम जो मैंने आपको बताया कश्मीर में, जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे एक जगह वेरीनाग, वहाँ से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है। जो चिनाब है हिमाचल में कुल्लू माउंटेन से होती है, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से होती हैं, जो ब्यास है वो कुंड है जिसको ब्यास कुंड बोला जाता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जो सतलुज है ये मैंने आपको बताया राकाश लेक जो है, जहाँ पे मानसरोवर लेक, राकाश लेक, कैलाश रेंज, ये सारा एक जगह इकट्ठा है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एक दूसरे के बीच में। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कि जो ब्यास है सतलुज को हरि के पास ज्वाइन करती है, जिसको हरि के पतन भी कहा जाता है, और जो सतलुज है उसके ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है, जिसके ऊपर जो लेक है जिसको गोविंद सागर लेक का नाम दिया गया। और चेनाब है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, क्योंकि सबसे लंबी इसकी जो लेंथ है वो सबसे लंबी है ये 1800 किलोमीटर। और जो झेलम उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये वुलर लेक से होके गुजरती है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम आता है वो है गंगा रिवर सिस्टम। अब आपको इसमें भी क्या पता नहीं, जो सबसे पहले गंगा, उसका ओरिजिन, उसके बाद गंगा का कोर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो भी ऑर्डर में आपको पता नहीं चाहिए, कि पहले गोमती है, फिर घाघरा आती है, फिर गंडक आती है, फिर कोसी। मैं कहाँ से, मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये नदियाँ इस ऑर्डर में मेरे सामने आएंगी। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, कि आप कश्मीर में खड़े हैं, आप लेह लद्दाख में खड़े हैं, आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस सामने आपकी आएंगी, उसको ऑर्डर में लगा दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जंस्कर आएगी, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार आएगी। इसी तरह वो किसी भी ऑर्डर में कहीं से आप वो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि रिवर्स के ऑर्डर में लगा दीजिए, कि मैंने कहा गंगा के ट्रिब्यूटरीज, वो कह सकते हैं आपको जो गंगा के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम बताइए, या राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। अब किसी नदी का लेफ्ट और राइट क्या होता है वो एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा, कि अगर कोई नदी इधर से ऐसे फ्लो कर रही है, ये नदी का फ्लो इधर है, तो आप भी नदी के साथ फ्लो करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आप भी इधर की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। अब जो आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट कौन सा है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो यही नदी का लेफ्ट होगा और यही नदी का राइट होगा। अब इसका उल्टा, अगर कोई नदी ऐसे फ्लो कर रही है इस तरफ, तो अब नदी का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। अगर कोई नदी ऐसे फ्लो कर रही है तो नदी का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो नदी का लेफ्ट राइट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बुक्स पढ़ते हुए हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कि ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है तो राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है। चलिए जो भी है, अब बात हम करते हैं गंगा नदी की। गंगा की बात करूँ, ये सबसे लंबी नदी है, एक तरह से देखा 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, उत्तराखंड से फ्लो करती है, फिर ये उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है, फिर ये बिहार से फ्लो करती है, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल, चार स्टेट से फ्लो करती है। डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में फ्लो करती है, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर ये बिहार में, और 520 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई जाती है। और गंगा नदी का ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो गंगा नदी शुरू में गंगा नहीं होती, दो नदियां हैं जिनको मिलकर गंगा बनती है, एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि देवप्रयाग पे आके मिलती हैं, और वहां पे इसको गंगा बोला जाता है उसके आगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अलकनंदा है वो भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, और उससे पहले मंदाकिनी है जो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में कब क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो। चलिए यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं आप कि ये गंगा नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपको नज़र आ रही है, ये गंगा नदी जा रही है, ये गंगा है,
और ये इधर जाके बांग्लादेश में जा रही है। उसके बाद आप देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज की है मेजर वो है यमुना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए उसकी ट्रिब्यूटरीज में है। गंगा और यमुना आके यहाँ जिस पॉइंट में मिले ये है अलाहाबाद, यहाँ लिखा भी हुआ है अलाहाबाद। अलाहाबाद जो बाकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, अब ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है यमुना, क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, यमुना लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है कि राइट, यमुना राइट ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा जो दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है सोन, ये भी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी, सोन नदी यहाँ से निकल रही है, और वो मैं आपको बता दूँ कहाँ से निकल रही है, सोन नदी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पर जो माउंटेन पीक है उसका नाम है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ से यमुना निकलती है जी। और गंगा के बारे में अगर मैं लेमेन की तरह बात करूँ तो हम कहेंगे गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट कौन सी, जो नॉर्थ में ट्रिब्यूटरीज नजर आ रही हैं, यहाँ पे आप देखिए गोमती, ये गोमती आपको नजर आ रही है, ये गोमती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, फिर उसके बाद यहाँ से घाघरा नजर आ रही है आपको, गोमती घाघरा, फिर यहाँ से नेपाल से निकलती नजर आ रही है गंडक। तो तीन मैंने आपको नाम बता दिए, गोमती, घाघरा, गंडक। अब आप रिलेट कीजिए इनको, कहीं हिस्ट्री से आप रिलेट कर पा रहे हैं, किसी करंट न्यूज से रिलेट कर पा रहे हैं। घाघरा मुझे याद आ रहा है, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ पानीपत याद कीजिए, बैटल ऑफ खानवा याद कीजिए, बैटल ऑफ घाघरा अपने आप याद है, यानी कि बाबर और जो उसके डिसेंडेंट थे लोधीज के उनके बीच में हुई थी, तो वो थी बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा नदी के किनारे हुई थी। और यहाँ पे जो नज़र आ रही है आपको घाघरा की ये ट्रिब्यूटरी नज़र आ रही है, ये है जो यहाँ पे बॉर्डर बना रही है नेपाल और इंडिया का, इसको यहाँ पे बोलते हैं काली नदी, काली, और जब ये इंडिया में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है शारदा। और ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, घाघरा की। उसके बाद आप देख रहे हैं गोमती, फिर घाघरा, गंडक, और यहाँ पे आप देखिए लखनऊ नज़र आ रहा है, लखनऊ कहाँ पे, गोमती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं उनका पता होना चाहिए आपको, किसी नदी के किनारे हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक यहाँ नदी नज़र आ रही है जो ये सप्त कोसी वगैरह कोसी, और जो लास्ट यहाँ पे नज़र आ रही है वो है कोसी। तो ये हुई गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, और राइट में मैंने आपको नाम बताया कौन कौन से, राइट में था एक यमुना और दूसरी सोन, ये गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो बाकी आपको नजर आ रही हैं, आप कहोगे यहाँ पे चंबल भी नजर आ रहा है हमें, बनास भी नजर आ रहा है, चंबल है, बेतवा है, और दो नहीं नजर आ रहे हैं वो है सिंध और केन। ये एक्चुअली ये हैं ट्रिब्यूटरीज चंबल की और फर्दर यमुना की, तो डायरेक्ट ये गंगा के ट्रिब्यूटरी नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं बेतवा ये भोपाल के पास से ओरिजिनेट हो रही है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं चंबल, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और जो ये बनास है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो जितना हो सके आप याद रखें कि अब यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है वो भी आप देख लीजिए, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई चंबल हो गई है, यमुना की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बेतवा हो गई है, और सिंध भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विस्तार में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोर्सेज, भागीरथी जो गौमुख से निकलती है, अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है, और मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, तीनों याद रख लीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीनों कहाँ पे, तीनों उत्तराखंड में जगह हैं। और गंगा नदी जाके गिरती कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। अब यमुना की मैं बात करूँ कि एक यमुना, उसके अलावा जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज है वो आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था घाघरा, मैंने आपको बताया था गंडक, मैंने आपको बताया था गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और लास्ट में सोन, और एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है दामोदर। अगर लेंथ देखें वो यहाँ पे लिखी हुई है, घाघरा की 1080 है जो सबसे लंबी है, सोन 780, गंडक 425, कोसी 730 किलोमीटर लंबी है, गोमती 805 और दामोदर 541, 541 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और जब कोसी, अगर आपको पता हो कोसी के बारे में कि कोसी को पहले सौरो ऑफ बिहार बोला करते, क्योंकि जब बारिश आती है मानसून में तो ये ओवर फ्लो होके वहाँ पे फ्लड्स
लाती थी और वहाँ पे बाढ़ जो आती है उसे बहुत नुकसान हुआ करता था। बट अब इसको वो किया गया है, टेम किया गया है, कोसी और इसी तरह दामोदर। दामोदर को सॉर्ट ऑफ बंगाल बोला करते, पर दामोदर पे प्रोजेक्ट लगाया गया जिसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, ताकि उसको टेम किया जा सके। और गंगा की जैसे ट्रिब्यूटरीज हैं, एक नदी और है जो इसकी ट्रिब्यूटरी ना होकर डिस्ट्रीब्यूटरी है। वो कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जब एक नदी आ रही है यहाँ से, कुछ नदियाँ ने इसको ज्वाइन किया, गोमती ने, घाघरा ने, गंडक ने, कोसी ने, इधर यमुना ने, जो सो ने इसको ज्वाइन किया। पर जब नदी यहाँ पे आते, यहाँ पे आके इसका जो फ्लो है वो रुक जाता है इसकी सिल्टिंग की वजह से, कि सिल्ट अपना छोड़ देती है, यानी कि जो लोड है उसको इसने अपना छोड़ दिया नदी में, तो पानी का फ्लो रुक गया है, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। इधर गंगा आगे निकल गई, एक छोटी सी नदी इधर की तरफ निकल गई, और यही नदी है जिसको हम हुगली का नाम देते हैं, ये हुगली हो जाती है हमारी। तो हुगली के बारे में खास क्या है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा में से निकलती है ना कि गंगा में गिरती है, और कलकत्ता के पास से होकर ये गुजरती है, कलकत्ता इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में उसकी बात करता हूँ, उसमें नाम आता है यमुना का। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है, और जो कि ट्रिब्यूटरी, कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट के राइट, ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, उत्तराखंड में ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और गंगा के साथ पैरेलल चलती है 800 किलोमीटर, और जाके अलाहाबाद में उसको ज्वाइन करती है। और जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है मैंने आपको बताया अभी, चंबल मैंने आपको बताया, सिंध, बेतवा और केन, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में, इसमें आपको मैंने आपको नाम बताया गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और अब देखते हैं सबसे पहले घाघरा। घाघरा जो एक ग्लेशियर है, मापचा चुंगो नदी, सॉरी ग्लेशियर, जहाँ से घाघरा नदी ओरिजिनेट होती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया शारदा या काली। काली जब ये इंडिया और नेपाल, यानी कि उत्तराखंड से फ्लो कर रही है बॉर्डर से, इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बना रही है, जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है वहाँ पे इसको शारदा रिवर बोले। तो काली और शारदा एक ही रिवर है, जो कि जाके घाघरा नदी में मिलते हैं छपरा के पास। दूसरी नदी है जो गंडक है, जो नेपाल से राइज होती है, जो मैंने आपको बताया नेपाल के हिमालय से, और ये चंपारण में आके प्लेन्स में एंटर कर जाती है, और सोनपुर ये जगह पटना के पास जहाँ पे गंगा नदी में गिर जाती है। उसके बाद है कोसी, ये माउंट एवरेस्ट के पास से ओरिजिनेट होती है, और ये भी उसकी ट्रिब्यूटरी गंगा की। फिर रामगंगा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, कन्नौज के पास उसमें जाके गिरती है, और ये गढ़वाल के जो माउंटेन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसी तरह दामोदर, ये भी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, जो कि छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उन नदियों के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल हो गया आपका दामोदर, उसके अलावा दो मैं एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, एक नर्मदा और दूसरा तपी, ये याद रख लीजिएगा। और ये जाके हुगली को ज्वाइन कर लेती है। उसके अलावा चंबल है, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मालवा प्लेटू में एक जगह है महू। पहले एक्चुअली ये महू, अब इसको कहने लगे अदरवाइज, ब्रिटिशर्स के टाइम में इसका मतलब था MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ये उनका वॉर हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, बट अब ये नाम ही बन के रह गया महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये क्यों फेमस है, इसकी जो स्कार्प लैंड, जो यहाँ की टोपोग्राफी है वो बैडलैंड्स यानी कि रिवाइंस हैं, कट फट चुकी है वो। उसके अलावा सोन नदी है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि अमरकंटक प्लेटू, मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक प्लेटू है अमरकंटक, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और पटना के पास जाके गंगा को ये ज्वाइन कर लेती है। तो दूसरा सिस्टम हुआ हमारा ये वाला। जो तीसरा सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से ओरिजिनेट होती है जहां से इंडस ओरिजिनेट हुई, जहां से सतलुज ओरिजिनेट हुई। ये मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है, बट कुछ बुक्स में लिखा होगा कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर की है, और इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पे इसको दिहांग का नाम दिया जाता है। और जब ये ओरिजिनेट होती है, और जब ये तिब्बत में फ्लो करती है, वहाँ इसको कहते हैं सांगपो, टी जो साइलेंट है, TSANGPO, सांगपो। सांगपो जहाँ से ओरिजिनेट हुई तिब्बत में चलती है, और दिहांग जब ये इंडिया में आके फ्लो करती है, इंडिया में कहाँ पे आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और जिसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुबनसिरी, कामेंग,
धनसिरी, मानस और तीस्ता, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। और इन आप में आपने इन नदियों में से शायद ही किसी का नाम सुना, सिर्फ तीस्ता है जो जनरली न्यूज़ में भी रहती है और इसके आप नाम सुनते रहते हैं। ये सिस्टम है जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये ओरिजिनेट होती नज़र आ रही है, ये इस तरफ चल रही है, यहाँ पे नाम इसका सांको, यारलुंग सांको, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है ये इंडिया में, जहाँ पे इसको कहते हैं दिहांग, और असम में आने के बाद इसका नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम बदल के होता है जमुना, और उसके बाद ये गंगा को ज्वाइन करती है, फिर गंगा और ये इकट्ठे चलते हैं और वहाँ इनको कहते हैं पद्मा। तो इसके कितने ही नाम बदल जाते हैं और आपको थोड़ा सा इनका आइडिया रखना पड़ेगा। और जो इसकी ट्रिब्यूटरी तीस्ता वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है सिक्किम के एरिया से और जाके इधर जाके मिल जाती है इसमें, तो ये हुई इसकी ट्रिब्यूटरी। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया वहाँ से ट्रिब्यूटरीज की फ्लो करती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो बांग्लादेश में का नाम जमुना हो जाता है और उसके बाद जब गंगा में मिलती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। और उसके अलावा इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो है मेघना, और ये दोनों जाके जब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं तो वहाँ एक डेल्टा बनाते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उस एरिया को हम सुंदरबन का नाम देते हैं, और जिसका एरिया अराउंड 58,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे पंजाब के एरिया से भी बड़ा है। पंजाब ले लीजिए या जो हिमाचल ले लीजिए, हरियाणा, तीनों का ऑलमोस्ट बराबर सा एरिया, कुछ थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, और ये इन तीनों को देख लीजिए सबसे बड़ा यही है। और इस नदी की खासियत ये है कि नदी की जो विड्थ है आसाम के प्लेन्स में इतनी हो जाती है कि कई जगह 16 किलोमीटर की भी इसकी चौड़ाई है। और इसी नदी के बीच एक आइलैंड है जिसको नाम दिया था मजूली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कि एक नदी के अंदर है, और वहाँ पे गांव बसा हुआ है, लोग रहते हैं वहाँ पे, और ये जनरली न्यूज़ में भी रहता है। तो ये थे हमारे सिस्टम जो कि हमारे थे हिमालयन रिवर के। इसके बाद हम बात करेंगे अब पेनिनसुलर साउथ इंडिया की नदी, वहाँ पे तीन मेजर हैं नदियाँ, देख लीजिए जो आपको इस मैप में नजर आ रही हैं। ये गोदावरी है जिसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी नदी यही है, ये गोदावरी है। उसके बाद दूसरी कृष्णा है, तीसरी कावेरी है, और दो और नदियां हैं बट वो वेस्ट फ्लोइंग हैं, वो उल्टा फ्लो करती हैं वाटर डिवाइड की वजह से, एक है नर्मदा और तपी। और बाकी छोटी नदियों के नाम लूँ तो यहाँ पे महानदी भी है, उसके अलावा पालार है, पेनार है, कितने हम नाम ले सकते हैं। तो नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, क्योंकि ओरिजिन हमें पता होना चाहिए। इसकी लेंथ जो है अराउंड 858 किलोमीटर की है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम आप देख लीजिए, इब, शिवनाथ, हसदो, मंद, जोंक, तेल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बेटर है इनको थोड़ा सा जरूर ट्रैक रख लीजिएगा इनका, देखिए। उसके बाद जो दूसरी नदी आती है वो है गोदावरी, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी लंबाई है। और इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा का नाम भी दिया जाता है, ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और ये राइज कहाँ से होती है, नासिक से। तो आपको पता होना चाहिए इसकी लेंथ, ओरिजिन आपको पता लग गया है, और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं मंजरा, पैन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, वैन गंगा एंड साबरी या सवारी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कि वैन गंगा, पैन गंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजरा। जो नेक्स्ट है वो है कृष्णा और फिर कावेरी, स्वर्णरेखा, ये एक पेनिनसुलर रिवर्स है बट जो प्लेटो वाले एरियाज हैं वहाँ ये फ्लो करती हैं महानदी से ऊपर की तरफ। कृष्णा हम कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है, तीसरी नदी कृष्णा हम डिस्कस कर रहे हैं, 1327, 1325 किलोमीटर हम कह सकते हैं, 1327 किलोमीटर सॉरी इसकी लेंथ है। और वेस्टर्न घाट में एक जगह महाबलेश्वर, ये एक प्लेटू है महाबलेश्वर का, वहाँ से राइज होती है, और उसकी ट्रिब्यूटीज है कोयना। कोयना अगर याद कीजिए, आपको याद हो अर्थक्वेक एक बार आया था, वहाँ पे डैम है, और डैम की वजह से एक अर्थक्वेक आया था, तो आपको उस वजह से उसका नाम पड़ा। तो ये है कोयना, इसकी दूध गंगा है, पंचगंगा है, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये नदियाँ वो हैं जो इसकी ट्रिब्यूटीज हैं। मूसी थोड़ा याद रखें क्योंकि इस मूसी नदी के किनारे
हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और ये क्वेश्चन आया हो कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, ये जो दो नदियाँ नजर आ रही हैं स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, ये रांची का जो एरिया वो प्लेटू का एरिया वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं। उसके बाद जो नीचे नदी आती है लास्ट, मैंने आपको बताया था कावेरी, कावेरी वो नदी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है। रीज़न उसके कई हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी वहाँ पे आता है, साउथ वेस्ट मानसून दोनों आते हैं वहाँ पे। और इसको साउथ की गंगा का नाम भी दिया गया है क्योंकि पानी इसमें फ्लो करता है। ये ब्रह्मगिरी रेंज है जो वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हेमावती है, लोकवाणी और शिमसा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब दो जो नदियां रह गई हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और इसके अलावा कुछ और नदियां मैं आपको बताऊंगा जो वेस्ट फ्लो करती हैं या जो इनलैंड ड्रेनेज हैं, यानी कि जो ना वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ना अरेबियन सी में गिरती हैं ना इंडियन ओशन में, वो अंदर ही कहीं समाप्त हो जाती हैं। अब नर्मदा की बात करें, ये नदी वो है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कि गुजरात वाले एरिया में फ्लो करती है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, और इधर गुजरात आ जाता है, वहाँ जाके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। इसका ओरिजिन का जो पॉइंट है वो वही है जो सोन नदी का है। सोन नदी का इसका क्या हुआ फिर, अमरकंटक प्लेटू, और जाके ये अरेबियन सी, और अगर मैं प्रिसाइज हो जाऊँ और तो एक खाड़ी है खम्बात की खाड़ी जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, कैम्बे भी कह सकते हैं इसको, गल्फ ऑफ कैम्बे, ये वहाँ जाकर गिर जाती है। और ये भी एक वो नदी है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तीन नदियाँ हमारी हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको, रिफ्ट नदी रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। दामोदर पहले मैंने आपको बताया, और दो नाम और लिए थे मैंने, नर्मदा और तवी का। और ये कौन सी रिफ्ट है जो विंध्या माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहाँ से ये फ्लो करती है, विंध्या और सतपुड़ा। और उस वजह से ये एक वाटरफॉल बनाते हैं जो कि काफ़ी बड़ा वाटरफॉल इंडिया का, इसको धुआंधार वाटरफॉल बोलते हैं। और कहाँ पे, जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है वो, और उसकी ट्रिब्यूटरी थोड़ा देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा ट्रैक रख लीजिए, हीरा बुरनेर बंजर शार शक्कर एंड तवा। तवा अगर आपको याद हो, ये तवा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है हमारा, उस वजह से ये न्यूज़ में भी रहता है। फिर तपी या ताप्ती ये इसका नाम है, इसकी जो लेंथ वो आप देख लीजिए, क्योंकि जो नर्मदा थी उसकी लेंथ है 1057, इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर 724 किलोमीटर। ये भी मध्य प्रदेश से राइज होती है, पर ये बैतूल जिला जो है वहाँ से राइज होती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पूर्णा, बैतूल, अर्नावती, गंजल, ये इसकी नदी हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके अलावा नदी आती है एक माही नदी जो विंध्याज है एमपी के, वहाँ से राइज करती है, मध्य प्रदेश सॉरी, वहाँ से राइज करती है। उसके अलावा लूणी नदी है, जो लूणी थोड़ा सा नाम पे जाइए, लूणी मीन्स लवण यानी कि सॉल्ट मिनरल्स, इसको इसीलिए नाम इसका दिया क्योंकि इसमें से हम नमक निकालते हैं सुखाकर, और इसका जो पानी है वो सॉल्टी है, सेलाइन ब्रैकिश वाटर, 450 किलोमीटर की लेंथ है। अरावलीज जो है माउंटेन वहाँ से ओरिजिनेट होती है उसमें से, और ये मार्शी जो ग्राउंड है उसमें जाकर खो जाती है रन ऑफ कच्छ में, यानी कि ना वे ऑफ बंगाल में गिर रही है ना अरेबियन सी में ना इंडियन ओशन में, ये रन ऑफ कच्छ में जाके वहाँ पे मार्शी लैंड्स क्रिएट करती है। शरावती ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कर्नाटका की, जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, और ये ही वो नदी जिसपे इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो जोग फॉल जिसको कहते हैं, या गैरसोपा फॉल, महात्मा गांधी फॉल भी इसको कहा जाता है, ये इसी नदी पे, जिसकी हाइट कितनी है 289 मीटर, करीब करीब 90 मंजिला इमारत के करीब ये बराबर हो गया। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो आपको अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेट करें इसके बेसिन्स। तो ये क्वेश्चन डेवलप होता है, बेसिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बेसिन क्या होता है। बेसिन वो एरिया था जो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन किया जाता है। यहाँ पे जो बेसिन सबसे बड़ा किसका आपको नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे गंगा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये सारा एरिया वो है जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं। और ये आप देख सकते हैं खुद कि ये एरिया सबसे बड़ा है, इसलिए जो फर्स्ट रैंक अगर किसी का आता है बेसिन वाइज तो वो गंगा नदी का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी का, तो वो गंगा का है कि गंगा हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे गोदावरी,
ये इसका बेसिन है, और कितने बेसिन, हर नदी का एक अपना बेसिन नजर आ रहा है, गोदावरी है, कृष्णा है, फिर कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, तपी है, माही है, और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, इधर इंडस का बेसिन है ये, और इधर पेनार नदी का बेसिन है, और इधर साबरमती का बेसिन है, ब्राह्मणी और बैतरणी इनका बेसिन है, स्वर्ण रेखा का बेसिन है, तो इतने सारे बेसिन आपको नजर आए। थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा आप अपना एटलस उठाइएगा, उसमें दिए हैं बेसिन, और उनको खोल के देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट इसके बाद हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।